महमूद। आज हम देखे क्रिकेट दुनिया के बेताज बादशाह सेरे पूर्वांचल महमूद, जो पिछले बार गाड़ी वाले मैच में देखे थे अकेले ही टीम को हराते, 82 रन के ताबड़तोड़ पाली खेले थे। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है महमूद। और लाइव टेलीकास्ट इस समय विकेट के पीछे जो एबी और यूट्यूब पर देख सकते हैं, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, लाइव टेलीकास्ट स्कोरिंग के साथ जो देवरिया से चल कर रहे हैं। हार्दिक स्वागत वंदन व अभिनंदन है इस बागी बलिया के बगड़ी बाजार में। महमूद अगली गेंद और वहां पे यार की गेंद भी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए पूर्वांचल में विख्यात नाम नहीं ब्रांड है महमूद, जो इस समय बगड़ी बाजार में। तो इस समय स्कोर अभी भी रुका हुआ, रणजी 11 आजमगढ़ का स्कोर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पे। प्रदीप हलकल के कदमों दौड़ते हुए महमूद के लिए और वहां पे महमूद ने उठा दिया है सीधे अपने कमेटी बॉक्स के नीचे, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेम सिर्फ सीमा का पार 4 रनों के लिए। तो इस तरह से इस चौके के साथ महमूद का खाता खुलता हुआ और रनों में इजाफा, इस चौके के साथ स्कोर बढ़ते हुआ आजमगढ़ का 84 रन 2 विकेट के नुकसान पे। स्वागत है आप सभी का दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। तो किन्हीं कारणों से थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, तो शानदार बल्लेबाजी कर रही है इस वक्त मैं दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। रामजान आए हैं गेंदबाजी करने, एक ओवर में 22 रन खर्च किए थे पहले ओवर में रामजान। ये सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 85 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ओवर नंबर है 7वां प्रगति पे, 12-12 ओवर का मैच खेला जा रहा है, 7 ओवर प्रगति पे है। खराब गेंद, छोटी बाउंड्री है तो 6 रन। शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको छक्का ऊपर फेंकी प्लेयर वहां कैच टपका दिया है। तो महमूद जैसे बल्लेबाजों को मौका देना कितना भारी पड़ेगा गोलू 11 को, यह तो आने वाला वक्त भी बताएगा। तो इस तरह से स्कोर आजमगढ़ का 91 रन। रंजन अपने कोटे का दूसरा मैच का 7वां ओवर लेकर इस टाइप पर महमूद रमजान हमसे दूर जाते हुए और वहां पे मारना चाहते थे, रोलना चाहते थे, कतर सकते थे, लेकिन इस टाइप पर महमूद ने मारा कर दिया और पे सूट भी हुआ पे फिर से। तो एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन आजमगढ़ 2 विकेट के नुकसान पे। रन नहीं है, ठीक है, 1 रन माइनस 91। हाजी ठीक है,
हेलो रमजान स्टाइप महमूद हल्का लक में दौड़ते पैर को पार किया और वहां पे नीचे फिर से कैच चपका दिया दूसरा जीवन जैसे बैट्समैन को भागे इनके साथ इसी ओवर में दो लॉलीपॉप कैच कर सकते हैं दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि आज का चौथा लीग मैच जो ब्रदर्स स्पोर्ट्स सोना पानी बना आजमगढ़ के बीच खेला जा रहा है अभी तक आजमगढ़ ने बैठा दिया है किसी के पास कोई मौका नहीं गेंद से सीमा का पार छह रन के लिए तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ गेंद को कौन गिरा बोला बाबा सात ओवर का समाप्ति के बाद स्कोर आ जाओ का 97 रन तो देखते हैं कि शेष पांच ओवर में कितना रन अर्जित करते हैं आजमगढ़ के बल्लेबाज यह मैच 12-12 ओवर का खेला जा रहा है जिसमें आप चार बॉलर यूज करेंगे तीन तीन ओवर करके चार बॉलर हमारे स्कोर बता रहे हैं कि चार ओवर में 70 रन थे यानी कि पिछले तीन ओवर में मात्र 21 रन बगड़ी हो रहा है मैच बगड़ी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी इस समय गोलू 11 की तरफ से और इस समय देर तवे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि आज का चौथा लीग मैच जो गोलू 11 बना रजी 11 आजमगढ़ के बीच खेला जा रहा है आजमगढ़ ने सात ओवर के समाप्ति के बाद 97 रन दो विकेट के नुकसान पे शेष 30 गेंद में देखते हैं कि कितना रन अर्जित कर पाती है आजमगढ़ के सलामी आजमगढ़ के बल्लेबाज अल्तमस और महमूद की जोड़ी इस समय विकेट के ऊपर और प्रदीप आया अपने कोटे का दूसरा मैच का आठवां ओवर लेकर एक ही मैच खेला जाना है आज एक ही मैच होगा भाई इस टाइम का अल्तमस दर्शक इस समय जहां छाओ वही टिकाओ मैच का आनंद लेते हुए इस समय बगड़ी बाजार में अगली गेंद और वहां पे नीचे वहां पे कुछ समझ नहीं आया और वहां पे अच्छी फील्डिंग कही जाएगी इंपायर का फैसला आना बाकी तो एक रन तो इस तरह से इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 98 रन भैया बॉलर के यहाँ लाइव टेलीकास्ट इस समय एपीओ यूट्यूब पे दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर अगली गेंद और महमूद ने उठा दिया है किसी के पास कोई मौका नहीं गेंद सीधा सीमा के पार छह रनों के लिए उधर से गेंद फेंक दे सीमा तो इस छक्के के साथ 100 रन का कड़ा पार करते हुए आजमगढ़ पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रन दो विकेट के नुकसान पे आठवां ओवर प्रगति पे प्रदीप और फिर से उठा दिया महमूद ने गेंद फिर सिमारे का पार छह रनों के लिए बैक टू बैक सिक्स आते हुए महमूद के बल्ले से जीवन दान दिया था उसका नुकसान तो अब उठाना ही पड़ेगा एक और छक्का मारते हैं महमूद तो 501 रुपए जो नकु वर्मा की तरफ से रखा हुआ है दो गेंद दो छक्का तीसरा छक्का मारता है तो 501 रुपए तो इस समय लगातार छक्कों की बारिश होती हुई 500 रुपए अर्जित कर पाते हैं नहीं महमूद प्रदीप हमसे दूर जाते हुए महमूद ने उठा दिया है तो इस तरह से इनाम राशि 501 रुपए महमूद के खाते में जाता हुआ और छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
116 रन, दो विकेट के निशान पे दो जीवनदार का फायदा उठाते हुए इस समय मामू जैसे बल्लेबाजों को मौका। तो इस समय इस टाइम पे मामू हमारे स्कोर बताएंगे कि कितने रन पर जीत बैठी। कभी पहले बताया था कि नाम के मोहताज नहीं मामू, क्रिकेट दुनिया का बेहतर बादशाह शेर पूर्वांचल मामू प्रदीप और वहां पे मारना चाहते थे। तो इस तरह से अभी भी स्कोर रुका हुआ आजमगढ़ का 116 रन दो विकेट के नुकसान पे आठवां ओवर प्रगति पे। अभी तक पांच छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं बता दूं कि अभी तक जो इससे पहले तीन मैच हुआ है माझी की तरफ से विवेक ने 92 रनों की पारी खेली थी, रामजी इलेवन की तरफ से मुन्ना यादव ने 83 रन की पारी खेली थी अगली गेम। तो और वहां पे किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद से सीमा के पार चार रन। तो अभी तक दो शतक लगे हैं जो मुन्ना यादव माझी बिहार के तरफ से। देखते हैं कि महमूद जो और शतक बना पाते या नहीं। दर्शकों से मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि कल तीन मैच खेला जाएगा और 3 तारीख को मैं बता दूं कि पूरा उत्तर प्रदेश इस बगड़ी बाजार में सर्वेश यादव सीआरपीएफ की टीम है, जिसमें अंकित काल की ज्ञानेश्वर अनुज रवि बनारसी रंजीत भगोई विशाल इलाहाबादी जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज नजर आएंगे। तो जरूर आइएगा 3 तारीख को मैच देखने। और इस समय जो चौथा मैच हो रहा है रिंकू यादव विनय यादव का मैच सुपर संडे को देखने को मिलेगा रविवार को। तो इस समय स्कोर रुका हुआ अभी भी रंजी इलेवन आजमगढ़ का 120 रन। और बात क्रिकेट की जाए तो वर्ल्ड कप की मैं बता दी कि उस समय 7-7 ओवर का वर्ल्ड कप होता था। तो 1975 में वेस्टइंडीज जीती थी और 1979 में वेस्टइंडीज, 1983 में कपिल देव कप्तानी ने भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, 1977 1992 पाकिस्तान, 1996 में श्रीलंका, 1999 2003 2007 लगातार 3 बार ऑस्ट्रेलिया, फिर 2 अप्रैल 2011 को वो कौन दिन भूल सकता है महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता था, फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया, फिर 2019 में इंग्लैंड। तो इस तरह से 2023 का वर्ल्ड कप अक्टूबर में होगा, देखते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। तो इस तरह से स्कोर अभी रुका हुआ आजमगढ़ का, पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर कोटे का तीसरा मैच करना हुआ बल्ले का रमजान स्ट्राइक आउट बस नॉन स्ट्राइक है महमूद। मन्नू चौहान जी ये सब बातें हम नहीं बोल सकते, राष्ट्रगान हो तो ना बजाइए, कट कर दिए। हेलो छोटे छोटे बड़े सुजाल चाहते रहो बेटा। तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 126 रन गेंद। सुजाल उधर से गेंद लाए, गेंद सुजाल अगली गेंद। और इस छक्के के साथ अल्तमस का आज शतक पूरा होता हुआ, तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कही जाएगी अल्तमस के भी द्वारा। 50 साल लगता हुआ यहाँ पे अल्तमस के बल्ले से। तो इस टूर्नामेंट का तीसरा अर्धशतक आजमगढ़ के अल्तमस के द्वारा। और जैसे गेंद सुजाल उधर जाओ शिवम और भोला जितने छोटे छोटे कमेटी के सदस्य चारों तरफ रहेंगे। रमजान अल्तमस के लिए और अल्तमस उठा दिया है ऊंचा लंबा सीधा सिवारे का पार 6 रनों के लिए। तो छक्के की बारी हो रही है इस वक्त, गुच्छों में छक्कों के लग रहे हैं। गेंद गई है सुजाल आ गया,
ठीक है संजय उधर ही रहो, सूरज लाइट आ गई है बाबू। और तमस को मेरे तरफ से एक रुपया दिया जाएगा कमेटी की तरफ से। तो इस तरह से हेलो तो इस समय 138 रन बजा पहुंची है रमजा। क्या बेहतरीन पारी कही जाएगी इस समय, तीसरी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, चार छक्के लगातार खा चुके हैं 144 रन। और अल्तमास बहुत अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। गुरु जी थोड़ा माइट देख लीजिएगा, माइट रनिंग में दिक्कत ना हो। रमजान इस टाइप पे अल्तमास अगली गेंद और वहां पे नीचे वहां पे कोई गलती नहीं की, तो अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी अल्तमास के द्वारा। हमारे स्कोर बल्लेबाज ने दिलीप भारद्वाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने। तो हमारे स्कोर बता रहे कि 68 रनों की बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके इस समय अल्तमास हल्के कदमों से दगाई बनाते हुए, और उनका स्थान लेने नए बैट्समैन दिलीप हो तो हाथ उठा दे दिलीप। और इस समय दिलीप स्ट्राइक पे एक बार बता देना चाहते हैं कि लाइव टेलीकास्ट जो एबी और यूट्यूब पर देख सकते हैं, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। मैं बता दूं कि देवरिया के कैप्टन भी है दिलशान, पिछले बार सीजन 9 में दिलशान अच्छे बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को फाइनल में जगह बनाई थी, वो बात अलग है कि बागी बलिया से हार गई थी अगली गेंद और वहां पे मारना चाहते थे। तो इस तरह से ओवर की समाप्ति, हमारे स्कोर बताएंगे कि कितने ओवर हो गया इस समय। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 144 रन। तो देखते हैं कि 18 गेंद में कितना रन अर्जित कर पाती है। और अभी तक सबसे हाईएस्ट स्कोर रांची 11 की तरफ से दूसरे लीग मैच में बना था 179 रन। तो देखते हैं कि आजमगढ़ पार कर पाती है नहीं, और बात सेंचुरी की जाए तो सीजन 1 से सीजन 10 तक केवल 3 शतक लगे। आप सोच सकते हैं बैटिंग पिच है, इस मैच से पहले 87 छक्के भी लग चुके अभी तक 3 मैच में, लेकिन अभी तक सीजन 10 में केवल 3 शतक। इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे मोंटी अपने कोटे का तीसरा मैच का 10वां ओवर लेकर हमसे दूर जाते हुए। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, सीजन 8 में जो बाइक वाला मैच हुआ था आरएस स्पोर्ट की तरफ से रिंकू यादव ने क्वार्टर फाइनल में 110, सेमीफाइनल में 114 रन बनाए थे, और फिर आरएस स्पोर्ट को सीजन 9 में अकेले ही विजय स्थानीय गेंद ने 114 रन बनाकर मैच हरा दिए थे। तभी तक 3 शतक, 2 रिंकू यादव और 1 विजय स्थानीय गेंद। अगली गेंद और जो बाइक जीते थे, मैं बता दूं कि कैप्टन जो इस समय आजमगढ़ के दगाउट में बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं बंगाल और बिहार तक भी नाम नहीं ब्रांड है हमजा आजमी जो इस समय दगाउट में बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से अपने कप्तानी में 50 साफ तो बाइक जीत ही चुके हैं, 7-8 तो मैं खुद देखा हूँ। लाल बाजार की हो बात या फिर सलेमपुर की बात की जाए, कैप्टन को हमजा आजमी मोंटी अगली गेंद दिलशान के लिए, और आप इतनी मारना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी मोंटी के द्वारा। और मैं बता दूं कि जो बाइक वाला मैच होता सले, तो उसमें
हमजा आजमी और सादिक सुल्तान आए थे तो कप्तानी के नियुक्त कर रहे थे, अरे सिस्टर तो भाई जीते थे हमजा कैप्टन के नियुक्ति में, तो इस समय वो डगआउट में बैठे हुए आजम तो कैप्टन को महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उनके जैसे ही सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 146 रन 3 विकेट के नुकसान पे, रनों में जा था स्कोर बढ़ता हुआ 146 रन 10वां ओवर प्रगति पे है, तो ऐसा लग रहा था कि 200 क्या 250 के आसपास रन बनाएगी, पर थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी करते हुए थोड़ा सा प्रेशर देकर डाउन किया है। और मोंटी ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने अभी तक बहुत लाजवाब गेंदबाजी की है, सिंपल एक्शन से देर तक दर्शकों को मैं बता दूं आगे का तो दिखा लली सुनाएंगे। मोंटी कोटे का तीसरा मैच का 10वां सामने दिलीप क्या कुछ कर पाएंगे अपने टीम के लिए। मोंटी अलग तरफ सा पार को पार किया दिलीप के लिए, उसको मारना चाहते थे पीछे फील्डर जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाज पास मौका लेकर आने के लिए, इस तरह से दोनों मिल जाए अपना राजीव और आजम का स्कोर 148 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तीन ओवर 20 रन मात्र खर्च किए हैं, विकेट कोई नहीं लिया, गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। वहीं रामजान ने 59 रन खर्च किए, 3 विकेट के नुकसान पे 148 रन। तो मोंटी की तरफ से स्लैग ओवर में 10 ओवर मात्र 2 रन, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। अगर रन की बात की जाए तो कैप्टन हमजा भी ये ना सोचे कि रन काफी बन चुकी है, यह बैटिंग पिच है, यहाँ पे 200-170 रन भी बनाकर टीम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पाती है। तो इस समय सरदार इस टाइम पे दिलीप शेष 12 गेंद में देखते हैं कि कितना रन बना पाती है महमूद और दिलीप की जोड़ी। सदाम टेक्निकल और वहां पे यहां से लग रहा गेंद सीधे सिमारे का पार जी ही जाएगी, क्योंकि दूरी की बात कराम भैया ऊंचाई काफी थी, तो भैया नाम सूरज साहब का भैया बॉलर नेम, तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बॉलर नेम का आंकड़ा पार करते हुए आजमगढ़ 154 रन। शेष 11 गेंद देखते हैं कि कितना रन बना पाती है। संडे को मैच है मेरे ख्याल से, रिंकू विनय भाई का मैच संडे को खेला जाएगा, रिंकू विनय प्रदीप का मैच संडे को है। हल्के कंधों के ऊपर के पार किया, ओ क्या बेहतरीन शॉट, ओ क्लास व्हाट अ शॉट, इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 161 रन। बल्ले से निकलता है के राहुल भी काफी ज्यादा क्लिक करते हैं, तो इस तरह से हैट्रिक छक्का इस समय दिलीप के द्वारा। भाई के नाम है, भाई यहाँ पे भाई के नाम है, फ्री एंट्री का टूर्नामेंट और वहाँ पे आउट क्योंकि यहाँ तक की आवाज आई, तो स्लैग ओवर चल रहा है, अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी दिलीप के द्वारा। तो इस तरह से 167 रन 4 विकेट के नुकसान पे और उनका स्थान लेने उत्तर प्रदेश बिहार और वेस्ट बंगाल तक नाम नहीं ब्रांड जो उम्र के तकाजा कैप्टन कूल आजमगढ़ के हमजा। हम जा रहे हैं बल्लेबाजी करने हमजा शेख, इस ओवर की 2 गेंदें शेष हैं, क्या बैक टू बैक बाउंड्री लगाएंगे। इस समय अनुभवी आजमगढ़ के कैप्टन हमजा आजमी, रजी 11 के कैप्टन
जो ग्रुप का स्थान लेने के, मैं बता दूं कि सले विजय साली का एक मैच हुआ था हिंदू मुस्लिम एकता क्रिकेट प्रतियोगिता, हिंदू मुस्लिम एकता क्रिकेट प्रतियोगिता 51,000 धनराशि थी, जिसमें धीरज सिंह वगैरह सभी थे, पूरे भारत के सभी स्टार बल्लेबाज के बाद, लेकिन कैप्टन कूल ने इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सदाम कगली गए और वहां पर देखिए सिरे गए और वहां पे प्रयास लेकिन खाता खुलता हुआ छक्का भाई के बल्ले से आते ही छक्का लगाया है हमजा का। तो वहां पे पूरे पूर्वांचल नहीं बाहरी भी टीम थी बीएसआर के टूर्नामेंट में, लेकिन आरएस स्पोर्ट को जिसमें विनय रिंकू वगैरह सभी थे, लेकिन हमजा के कैप्टन में वो मैच जीते थे अभी हाल ही में 2 महीने पहले की बात है। अगली गेंद और देखिए वहां पे स्लैग ओवर चल नीचे गोलू कैप्टन, कैप्टन का खुद कैच, कैप्टन 100 रुपए का नाम दिया जाएगा इस कैप को गोलू सिंह को मेरे तरफ से जो ब्रदर्स स्पोर्ट के कप्तान है। तो हमारे स्कोर बता रहे हैं कि हमजा आजमी जो 2 गेंद 6 रन 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी स्लैग ओवर चल रहा है धोनी के अंदाज में, तो इस तरह से इस छक्के के साथ अभी स्कोर रुका हुआ 173 रन 7 रन दूर 180 का हाई अच्छी स्कोर और नए ऊंचे कद के बच्चों सलील टीशर्ट पर लिखे हो तो हाथ उठा दे धन्यवाद। आसान रहता है सल्ले जो किट के पीछे नाम रहता है दूर से ही अपने दूरियों में ढेर लोग चला, तो इस तरह से देर से दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सामना करेंगे आज का चौथा लीग मैच ब्रदर्स स्पोर्ट्स सोना पानी दशहरा बनाम आसम गढ़ के बीच खेला जा रहा है। कल 3 मैच खेला जाएगा 23 गेंद में जोगाबीर बाबा क्रिकेट क्लब और मनियर एकादश और सुनील यादव सैदपुर और एक क्वार्टर फाइनल, यानी कल एक टीम सेमी में जगह बना लेगी और 3 तारीख को जरूर मैच देखने आइएगा पूरा उत्तर प्रदेश बहुरी बाजार में प्रतीक को इस मैच का बढ़ावा देने लेकर सामने महमूद बलिया जिले का और बलिया नहीं मऊ, बलिया और मऊ का सबसे बड़ा क्रिकेट प्रतियोगिता बहुरी बाजार में, जिसमें फ्री एंट्री में विजेता को बाइक रखा हुआ है, उप विजेता को 25,000 नगद और मैन ऑफ द सीरीज रेंजर साइकिल, मैन ऑफ द मैच कूलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, बेस्ट का जो भी हो सबको 11 से 11 करके दिया जाएगा। और इस समय देखते हैं कि आने वाले वक्त ही बताएगा कि कौन यहां से बाइक ले जाएगा। प्रदीप अगली गेंद और वहां पे फुल टॉस गेंद कहां बतसते हैं लंबे कद के प्लेयर सीधे हमारे कमे और वहां पे एक हाथ से कैच टीला मास्टर 100 रुपए का इनाम जाता हुआ, क्योंकि इस टूर्नामेंट का रूल है जो एक गेंद में जो एक हाथ से कैच लेते हैं 100 रुपए का इनाम रखा हुआ है कमेटी की तरफ से। फोन पे हो जाइए तो बाबा फोन पे सारे फोन पे का अगली गेंद और बेहतरीन साथ जो भी दर्शक हो या पीले वाले किसान भाई दौड़ गए उधर से गेंद देते हैं पीले वाले किसान धन्यवाद भाई आपका दर्शक भी गेंद दे सकते हैं क्योंकि आप ही के लिए इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है। पैसी के रिकॉर्ड को तोड़ 185 रन बना चुकी है इस वक्त चुक गए हमारे कमेटी के पीछे कोई छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 192 रन। तो पहले इनिंग का 2 गेंद और शेष है, देखते हैं कि 2 रन का आंकड़ा पार कर पाती है नहीं आजमगढ़। 192 रन 11 ओवर 4 बॉल 12 ओवर में 192 रन बन गया है, तो बहुत ही लंबे लंबे छक्के मिले हैं, लाजवाब छक्के, लाजवाब बल्लेबाज। अगली गेंद और वहां पे नीचे पंकज जब तक गेंद को फील्ड करे दोनों बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन लेने का 193। महमूद अगर इस गेंद पर छक्का मारते हैं तो 199 होकर 2 रनों का लक्ष्य दिया जाएगा
देखते हैं कि क्या होता है। प्रदीप चाहेंगे कि गेंद बच जाए, स्टार पर महमूद अगली गेंद, और ऐसे ही नहीं और इस तरह से इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ और उनको खतरा हो रहा पे रन उठता यही से दिख गया। तो शेष 12 बॉल 193 रन बनाकर 194 रन का विशाल तो स्कोर दिया है गोली स्पोर्ट के। मामी 500 रुपए का कमेटी के ऊपर ले ले जो हैट्रिक छक्का पे 500 रुपए रखा गया था। तो जुड़ते हैं कुछ समय के बाद आप सभी से दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे, तो फटाफट जुड़िए और किसी तरह की प्रॉब्लम को आप तुरंत जो नकुल वर्मा की तरफ से 500 रुपए रखा गया था जो मामी की तरफ जाता हुआ यहाँ पे 500 रुपए मामू भी है क्या कहें क्या कहें।